इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। जो जिस घर के जो बंदे जाएंगे वहाँ पैसा बर्बाद करते हैं, वो परिवार तो वैसे ही परेशान होने वाला है। इससे कुछ खास रिएक्शन नहीं होगा पुलिस में कैमरा लगाने से, डांस बार तो बंद होने वाले नहीं। ये पुलिस स्टेशन को अटैच्ड है तो उनके मूवमेंट पे कुछ तो इफेक्ट होगा, कुछ तो कंट्रोल आएगा। डांस बार में जो दूसरे मूवमेंट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल आएगा ना। 30-40 मीटर के अंदर उन्होंने देखना चाहते। अगर जो भी है, अगर तुम्हारा औरत है तो तुम जाके लेडीज बार में तो नहीं बैठेगा ना, तुम्हारा औरत देखेगी ना उधर सीसीटीवी कैमरा में। अभी ये सब पुलिस का पॉलिटिक्स है, इसको कुछ करके कोई मतलब नहीं है। और इसे अच्छा बैंड करो ना, ये जैसा आरआर पाटिल ने बोला ऐसा बैंड करो, तो क्यों परमिशन दे रहे हो? एफेक्ट क्या होएगा? अभी जब तुम्हारा एक चौकी उधर लगेगा, तुम सीसीटीवी कैमरे में मैं बैठ के पैसा उड़ा रहा हूँ, वो तो 30 मीटर के अंदर एक लड़की रहना चाहिए, तो ये सब नामुमकिन का बात है। तो पुलिस वाले कहाँ तक वो बाहर में जाके क्या रक्षण करेंगे क्या? पुलिस वाले अगर देखेंगे बाहर में डांस चल रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला? पुलिस स्टेशन में भी अगर कैमरा लग गए बाहर में, वो दिखेगा पुलिस स्टेशन में, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? चालू रख के मतलब पुलिस स्टेशन में दिखा हुआ ऐसा यही मतलब हो गया ना उसका, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है उससे। पुलिस वाले कहाँ तक ये करेंगे? पब्लिक उसमें आने के लिए कम जाएगी, क्योंकि जो भी रहेगा रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरे में बंद रहेगा, इसके वजह से सबको मालूम पड़ेगा कि आदमी अपना किधर जाता है, क्या जाता है, कभी आता है। ये सब जो छुपे छुपे और होता था ना, वो सब अभी खुलेआम हो जाएगा। इन्हें सबको मालूम पड़ेगा कि ये अपना आदमी कहाँ जाता है, किधर जाता है, और खुलेआम हो जाता है। कभी कुछ रेड गिरेगा पुलिस स्टेशन में, उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो ये बार बार होते रहेगा, तो आदमी थोड़ा जाने आने में थोड़ा सोचेगा कि अब जाऊँ कि नहीं जाऊँ।